हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी लगेगा या जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, और जिससे कि अभी जो जेई एडवांस का एग्जाम होगा 2021 का, उसमें आपको फायदा मिल सकता है अगर इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने में बच्चों, 0 टू पाई बाय 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, 3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा टू द पावर होल 5 डी थीटा। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज समझ में आना चाहिए कि इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी लगेगा, उसमें आप ये वाला प्रॉपर्टी लगाओगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इसको करने से क्या फायदा होगा, 0 प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, तो cos 90 माइनस थीटा ये साइन हो जाएगा, ये cos वाला साइन होगा और ये साइन वाला क्या होगा, cos। तो न्यूमरेटर और डिनोमेटर जब हम दो बार i को ऐड करेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, i इक्वल टू यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2, इस प्रॉपर्टी को लगाने से 3 आप क्या लिखोगे, cos 90 माइनस थीटा यानी अंडर रूट ऑफ साइन थीटा और डिवाइड बाय यहां पर मैं अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ cos थीटा टू द पावर होल 5 डी थीटा। ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन, इसको दो नंबर, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करने से क्या मिलेगा बच्चों, ऐड करने से आपको मिल जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। या ध्यान से देखो, 3 ये वाला एलसीएम में सेम रहेगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 3 अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिनोमेटर में बचेगा अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा टू द पावर 5। तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ cos theta to the power whole 4 और ये क्या बन जाएगा d theta। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं अपन क्या करेंगे, यहां पर मैं अब जब भी sin और cos रहता है तो अपन क्या करते हैं, sec और tan में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, sec theta और tan theta में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड जो आपके पास में सब्स्टिट्यूशन होता है या स्टैंडर्ड जो मेथड होता है। इसमें क्या करेंगे, यहां पर में cos दिख रहा है, तो अपन अगर ऐसा कर दे, यहां पर में 2 आयोटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां पर में स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा का पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमेटर को, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय अंडर रूट cos थीटा टू द पावर 4। और जब यहां डिवाइड करेंगे तो ये कॉस वाला फैक्टर कैंसिल होगा और बनेगा यहां पर मैं अंडर रूट साइन बाई कॉस यानी अंडर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस 1 टू द पावर 4 और ये डी थीटा। अब कॉस का स्क्वायर रूट है और पावर 4 है, तो आपको डिनोमिनेटर में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन के पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, टेन थीटा को अगर कुछ ले लेंगे तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 टू द पावर 4 डी थीटा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपने अगर यहां पर मैं टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रूट फंस जाएगा, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, यहां पर मैं टेन थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा कि रूट टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहां पर मैं 1 प्लस जेड आ जाएगा। तो वो वाला फैक्टर जो है मैनिपुलेट करने में या नेक्स्ट स्टेप में वो आपको सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर tan theta equal to z square लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करने से sec square theta d theta equal to 2z dz
इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sec square theta into d theta, sec square theta into d theta इसके जगह पर कितना लिखेंगे 2zdz, तो बन जाएगा 3 into 2 6zdz, है ना। अच्छा यहाँ पर मैं जो लिमिट की बात करेंगे बच्चों, अगर थीटा इक्वल टू जीरो लिखेंगे, थीटा इक्वल टू जीरो तो टेन जीरो कितने के बराबर होगा, टेन जीरो जीरो, तो यहाँ से जेड का वैल्यू थीटा इक्वल टू जीरो पर जेड का वैल्यू कितना होगा जीरो, और अगर थीटा थीटा अगर पाई बाई टू होगा तो टेन पाई बाई टू कितना हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो जेड विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी थीटा पाई बाई टू पर जेड किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी ये जो लिमिट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग टेन थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं, तो लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, और यहां पर sec square theta d theta को लिखेंगे 2zdz into 3 यानी 6zdz, तो ये बन जाएगा 6zdz डिवाइड बाय 1 plus z to the power whole 4, यानी 1 plus z to the power whole 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से 2y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अच्छा यहाँ पर 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन करके इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस z माइनस 1 इंटू dz डिवाइड बाय 1 प्लस z टू द पावर 4। अब इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट इसके साथ में और एक पार्ट इसके साथ में, तो यहां पर मैं कितना हो जाएगा 2i डिवाइड बाय 6 यानी i डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, जब 1 प्लस z का एक फैक्टर 4 से कैंसिल होगा तो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस z टू द पावर होल क्यूब dz माइनस 0 टू इनफिनिटी, ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस z टू द पावर 4, 1 प्लस z टू द पावर 4, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान है, इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहां पर बन जाएगा i बाई 3 इक्वल टू, ध्यान से देखना है यहां पर मैं, ये एक्चुअली क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों ये इंफिनिटी पर है, दैट मींस ये आपका जो है लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा इंफिनिटी पर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस z टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2, तो माइनस 1 बाय 2 1 डिवाइड बाय 1 प्लस z का होल स्क्वायर, और ये 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो गया, और ये बन गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस z टू द पावर 3, और ये क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर मैं इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे जेड का वैल्यू, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और जेड का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1। तो यहाँ पर मैं आपके पास में क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया, i बाय 3 इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, ये जेड जो इन्फिनिटी को टेंड होगा, तो यहाँ पर मैं कितना होगा 1 बाय इन्फिनिटी यानी ये वाला 0, और माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पर 1 बाय 3, ये 1 by infinity, ये फिर से 0 और माइनस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया फाइनली, यहां से आपको फाइनली मिल गया ये प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, यानी आपको जो आंसर आ रहा है दैट इज i बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, तो i बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो i का जो आंसर आ जाएगा बच्चों ये 0.5 या 1/2 विल बी द आंसर, यानी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.5 या हाफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ गया बच्चों, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0.5।